तकरीबन हतमी मराहल में पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और बेगम कुलसुम नवाज़ के साहबजादे हुसैन नवाज़ और उनके साथ साबिक वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में दोस्त अहबाब रुफका और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन लंदन में मौजूद थे वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। बेगम कुलसूम नवाज़ की मैयत को लाया जा चुका है रीजेंट मस्जिद में, और कुछ ही देर में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। मनाजिर आप देख सकते हैं रीजन पार्क मस्जिद लंदन से बेगम कुलसूम नवाज़ की नमाज जनाजा कुछ ही देर में अदा की जाएगी। वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास, आपने जैसे कि बताया कि ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है और मर्दों के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है, इस वक्त तैयारियां तकरीबन मुकम्मल लग रही हैं नमाज जनाजा की अदायगी की, कितनी देर में शुरू होगी नमाज जनाजा? जी बिल्कुल, नमाज जनाजा की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है, मैयत को भी मस्जिद में पहुँचा दिया गया है, और थोड़ी देर तक जो मरहुमा है बेगम कुलसूम नवाज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। इमाम मस्जिद जमीन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग बाहर मौजूद हैं वो आकर पाबंदी कर लें और नमाज जनाजा में शरीक हो सके। पाकिस्तान नून के कायदीन, मुस्लिम नून के कारकुनान समेत मुख्य सियासी समाजी मजहबी जमातों के कायदीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो यहाँ पे मौजूद थे।